सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनुष्य के 365 दिन और देवताओं का एक दिन होता है। हमारा जो 365 दिन होते हैं तो उस तरीके से 12 वर्ष में कुंभ आता है। 12 वर्ष में उनका तो एक ही दिन हुआ, 12 वर्ष में कुंभ आता है। चूंकि हमारे यहां कुंभ कहां कहां आता है, नासिक में गोदावरी के तट पर, जिसको गोदावरी गंगा भी कहते हैं। दूसरे के कुंभ आता है हमारे यहां कहां पर, शिप्रा नदी उज्जैन में, शिप्रा गंगा कहते हैं जिन्हें। तीसरा कुंभ हमारे यहां होता है कहां पर होता है, हरिद्वार में, जो कि अब शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम और आप सब आनंद के साथ चलेंगे और कथा करेंगे। वहां बैठ के कथा का यजमान सहयजमान परीक्षित बनने का सौभाग्य मिलेगा। और चौथा एक कुंभ आता है प्रयागराज में। ये चार कुंभ इस भारत की धरती पर आते हैं और बाकी 8 कुंभ जो होते हैं वो वहां लगते हैं देवलोक में। तो ऐसे 12 कुंभ, ये चूंकि अब चूंकि एक साल का एक दिन, तो ऐसे हर साल हर एक दिन के लिए उनका तो एक ही दिन हुआ, तो इस तरीके से ये 12 वर्ष में कुंभ आता है। इस पूरी पृथ्वी पर हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझ के कई सारी चीजों का निर्माण किया, जैसे संगम का तट, जहां प्रयागराज में तीनों नदियों का मिलन होता है, तो उसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब ये कुंभ का लाभ क्या है? इस पूरी दुनिया में जितने घटक हैं, एक नक्षत्र है, बहुत बारीक में नहीं जाऊंगा, मगर इतनी बात, हर 144 साल के बाद एक नई घटना घटती है। और 12 साल का एक कुंभ होता है और 12 बार जब हो जाता है तो 144 होता है। तब एक दिव्य घटना घटती है, कोई दिव्य पुरुष, कोई दिव्य शक्ति इस धरा पर आके धरा को फिर से डिजाइन करती है। जिन जिन जगहों पर कुंभ होता है और जिस समय कुंभ होता है, उन जगहों पर हमारे जीवन में, हमारे यहां बताया गया है कि स्नान किया जाता है। हम स्नान करने जाते हैं। क्यों करने जाते हैं? क्योंकि जो जल है इसकी याददाश्त इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होती है। तो जब हम उसमें स्नान करते हैं तो हमारे कई कई लोगों की, कई कई जन्मों की यात्राएं जो रही हैं, वो उसको स्मरण आती हैं और उनके आधार पर वो हमें फल देता है, इसलिए हम डुबकी लगाते हैं। तो जल हिसाब देता है, ऊपर जाता है, उस हिसाब के अनुसार हमारे जीवन में घटना घटती है, जो भी अच्छी बुरी जो भी हो। तो ये जो डुबकी होती है, ये डुबकी में शाही स्नान होते हैं, हम सब सुनते हैं शाही स्नान है ये। क्यों शाही स्नान का महत्व है? क्योंकि उस दिन वहां पूरे के पूरे वायुमंडल की सबसे ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी होती है, वहां पर ऊर्जा इकट्ठी रहती है। तो हम क्या करते हैं, अब ऊर्जा को कैसे लोगे आप? हमारे यहां विधि है कि जब हम पूजा करने जाएं तो स्नान करके जाएं, हमें बताया गया। बड़ा वैज्ञानिक महत्व है इसका, कल भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, पर इसके वैज्ञानिक पहलू को जाएं। प्राचीन काल में और आज भी कई लोगों को मालूम है कि भगवान की पूजा करते हैं तो वो लोग कई क्या करते हैं, जैसे नदी में स्नान किए, तो जो समझदार लोग हैं वो ज्यादा शरीर को रब नहीं करते, टॉवल से नहीं पहुंचते, वो हल्का फुल्का शरीर गीला रहता है और कपड़े पहन लेते हैं और सर बिल्कुल गीला रखते हैं और वहीं से फिर जल भर के भगवान तक पहुंचते हैं, मान लीजिए शिव जी तक जहां तक पहुंचते हैं। उससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो रेडियो एक्टिविटी है, हमारे शरीर का जो खींचने की ताकत है, ऑब्जर्विंग पावर है, क्योंकि उस समय हमारे पोर्स खुल जाते हैं, शरीर के जो छिद्र हैं वो खुले होते हैं, तो हम ग्रेस्प मतलब खींच ज्यादा पाते हैं। आप ये समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति सूखे शरीर का है, एक व्यक्ति गीले शरीर का है, और बिजली का तार हल्का सा स्पर्श हो तो किसको ज्यादा करंट आएगा,
गीले वाले को, तो उस समय हम सुचालक हो जाते हैं। तो जब हम परमात्मा के नजदीक जाते हैं तो उस समय उसकी ऊर्जा को हम ज्यादा ग्रहण कर पाते हैं। तो जब हम कुंभ के स्नान में उस पवित्र दिनों में खासतौर से शाही स्नान के दिन डुबकी लगाते हैं तो उस समय इतनी ऊर्जा होती है जिसे हमें खींचना होता है, आत्मसात करना होता है। तो वो जब तक हम गीले नहीं होंगे, जितना हम गीला होते हैं उस समय डुबकी लगाते हैं, वो ऊर्जा हम में समाहित होने लगती है, हम खींचने लगते हैं। तो ये सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है।